श्री साई चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर मोहल्ला होलीवाला निकट कमाल अख्तर कार्यालय हसनपुर अमरोहा। डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल MBBS MD बाल रोग विशेषज्ञ, पूर्व CMO SR MSI MS बरेली, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डिस्पेंसरी सुविधा, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण, नवजात बच्चों के लिए AC नर्सरी की सुविधा, साफ स्वच्छ कमरे एवं बेडरूम। डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल MBBS MD बाल रोग विशेषज्ञ, संपर्क सूत्र 9528479529। जीवन ज्योति हॉस्पिटल, डॉक्टर चंद्रवान सिंह चौहान MBBS FCCN MD, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध, ICU और NICU की सुविधा। चौबीस घंटे सर्जरी की सुविधा उपलब्ध। पता: निकट अमरोहा अड्डा, अतरासी रोड, हसनपुर, जनपद अमरोहा। हेल्पलाइन नंबर 9927673514। नमस्कार, मैं शारदा सिंह और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा के हसनपुर में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति द्वारा 7 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। अमरोहा के हसनपुर में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति द्वारा ज्ञापन भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर उप जिलाधिकारी की अनुपस्थित में उनके स्टैनो को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने 7 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन दिया, जिसमें 2 हेक्टेयर तक के किसानों का कर्जा माफ करने, गन्ने का मूल्य 450 रूपए प्रति क्विंटल किए जाने, गन्ने का पेमेंट 14 दिन के अंदर किए जाने और ब्याज सहित दिए जाने और आवारा पशुओं को गौशालाओं में भिजवाए जाने सहित अन्य मांगों को रखा। आज हमारी मासिक बैठक थी, मासिक बैठक ना करके हम ज्ञापन दे रहे हैं उप जिलाधिकारी को। किन किन समस्याओं लेकर ज्ञापन दिया? 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। पहली मांग हमारी यह है, 2 हेक्टेयर तक के जो किसान हैं, उनका 10,000 तक का कर्जा या सारा कर्जा मुक्त किया जाए। 2 हेक्टेयर की जमीन वालों को, और 2 हेक्टेयर जमीन वालों को लाल कार्ड दिया जाए। जो 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसान हैं, उनको लाल कार्ड दिया जाए। जो किसान 60 साल की उम्र हो गई है 2 हेक्टेयर वालों तक, उनको 10,000 रुपए मंथली पेंशन दी जाए। इन मांगों के लिए, और गन्ना गन्ना का पेमेंट 450 रुपए क्विंटल दिया जाए, और गन्ने का पेमेंट 14 दिन के अंदर दिया जाए। 14 दिन में अगर ना मिल पाए तो उसका मैं ब्याज सहित गन्ने का पेमेंट किया जाए। आवारा पशुओं को पकड़वा कर गौशाला भिजवाया जाए। पेट्रोल पंपों पर घट तोली हो रही है, उसको रोका जाए, और गन्ना क्रय केंद्रों पर जो घट तोली हो रही है उसको रोका जाए। चीनी मिल की पर्ची, और चीना मिल की पर्ची, चीना मिल की पर्ची जो गेट वालों को नहीं मिल पा। अमरोहा के हसनपुर नगर में बसपा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अमरोहा के हसनपुर में मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बताते चले कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर अंबेडकर प्रतिमा का माल्यार्पण कर नमन किया। इस मौके पर बसपा नेता एडवोकेट अजब सिंह ने कहा कि संविधान निर्माता, संगठन, शिक्षा और संघर्ष का नारा देने वाले बाबा साहब के बताए रास्ते का हमें अनुसरण करना चाहिए। आज भारत संविधान के शिल्पकार और राष्ट्र निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के 66वें परिनिर्वाण दिवस के इस मौके पर हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज बाबा साहब को 66वें परिनिर्वाण दिवस के मौके पर हमने यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की है बाबा साहब को। आपके निर्वाण दिवस पर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए।
अमरोहा के हसनपुर नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें माल्यार्पण कर नमन किया। अमरोहा के हसनपुर में मंगलवार को नगर के अंबेडकर पार्क पर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भाजपाइयों ने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें याद किया। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि हमें बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना चाहिए और बाबा साहब के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। वहीं भाजपा नेता मयंक अग्रवाल ने कहा कि संगठन शक्ति और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने वाले ऐसे महान नेता को हमेशा याद किया जाएगा। आज भारत रत्न, भारत के संविधान के निर्माता और भारत को समरसता के सूत्र में पिरोने वाले ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर जी परिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन डाकू छोड़कर वो गए, आज उनके चरणों में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित की है और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की। आज 6 दिसंबर है बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि का आज दिवस है। बहुत ही कठिन परिश्रम, कठिन जीवन बिताकर विपरीत परिस्थिति में बाबा ने हम सबको संविधान देकर हमारे सबका मार्गदर्शन किया है। हम ऐसे महापुरुष का सदा स्मरण करते रहेंगे और सदा उनके आभारी रहेंगे। उन्होंने ऐसा संविधान हमें दिया है, संविधान पर चल करके ही जो हमारे आरक्षण की प्रक्रिया है, कमजोर के कमजोर व्यक्ति को सरकार की सहायता मिले, सुविधाएं मिले, उनके द्वारा जो अनुदान दिया गया है डायरेक्ट वहां पहुंचे, ऐसी बाबा ने संविधान में व्यवस्था की है। तो उन सबका पूरे गरीबों को उनका लाभ मिल रहा है। हम बाबा साहब के ऋणी रहेंगे, ऐसे बाबा साहब को हम सशक्त नमन करते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।